सरस्वती जी के चित्र के सामने टीचर की कबाब शराब पार्टी। शिक्षक ने दोस्तों को स्कूल में बुलाकर कबाब बनाए। सभी ने छलकाए जाम। शाजापुर के एक टीचर ने स्कूल में कबाब और दारू पार्टी की। दोस्तों को बुलाकर स्कूल में ही कबाब बनाए। टीचर और उसके दोस्तों ने जिस टेबल पर जाम छलकाए उसके पास देवी सरस्वती जी की फोटो भी रखी है। 3 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो बसंत पंचमी पर वायरल हो गया। मामला शाजापुर के सुंदरसी का है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कोविड की वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। टीचर भगवान सिंह ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल में शराब कबाब पार्टी रखी। भनक लगते ही गांव वाले स्कूल पहुंचे और इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में टीचर को शराब पार्टी करते देखा जा सकता है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर पर कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में चूंकि अभी तक मेरे संज्ञान में इस टाइप का प्रकरण नहीं आया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि वहाँ सर ऐसा हुआ है, तो तत्काल ही मैं जांच कराता हूँ और अगर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हुआ है तो तत्काल उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जांच तत्काल विकास की शिक्षा अधिकारी को देकर के उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीचर की इस हरकत से ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। शाजापुर के एक टीचर ने स्कूल में कबाब और दारू पार्टी की। दोस्तों को बुलाकर स्कूल में ही कबाब बनाए। टीचर और उसके दोस्तों ने जिस टेबल पर जाम छलकाए उसके पास देवी सरस्वती जी की फोटो भी रखी है। 3 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो बसंत पंचमी पर वायरल हो गया। मामला शाजापुर के सुंदरसी का है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कोविड की वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। टीचर भगवान सिंह ने अपने दोस्तों के साथ स्कूल में शराब कबाब पार्टी रखी। भनक लगते ही गांव वाले स्कूल पहुंचे और इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में टीचर को शराब पार्टी करते देखा जा सकता है। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर पर कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में चूंकि अभी तक मेरे संज्ञान में इस टाइप का प्रकरण नहीं आया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही एक किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि वहाँ सर ऐसा हुआ है, तो तत्काल ही मैं जांच कराता हूँ और अगर इस प्रकार का कोई भी प्रकरण हुआ है तो तत्काल उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जांच तत्काल विकास की शिक्षा अधिकारी को देकर के उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। टीचर की इस हरकत से ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।